फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, बस यही है जिंदगी मेरी। खाना क्या खिलाते हो? इडली। कुत्ते को सिर्फ इडली खिलाते हो? साथ में चटनी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई पेन इंडिया फिल्म 777 चार्ली के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों 777 चार्ली जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कन्नड़ा इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर रक्षित शेट्टी। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया है। फिल्म को रिलीज होते ही क्रिटिक्स और पब्लिक की तरफ से जो रिव्यूज मिले हैं वो काफी पॉजिटिव है और सभी लोग इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा सभी का कहना है कि ये फिल्म आपको पूरी तरह से इमोशनल कर देगी और जब आप सिनेमाघरों से बाहर निकलोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों यहां पर फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ गई है जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े ब्लॉकबस्टर बन सकती है। हालांकि बात करें फिल्म के बजट, रिकवरी और कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि 777 चार्ली का जो बजट है वो है सिर्फ 30 करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले ही इस फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट और म्यूजिकल राइट्स 21 करोड़ में बेच चुके थे। अब बात करें कि इस फिल्म को कितने स्क्रीन में रिलीज किया है तो दोस्तों आपको बता दें कि 777 चार्ली 5 भाषाओं में इंडिया में रिलीज हुई है 1300 स्क्रीन पे, वही इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 400 स्क्रीन पर रिलीज किया है। यानी कि यह फिल्म दुनिया भर के अंदर लगभग 1700 स्क्रीन पे रिलीज की गई है। बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे अर्ली एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को कन्नड़ा वर्जन में मॉर्निंग वाले शोज में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली है और अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से 777 चार्ली अपने पहले दिन कन्नड़ा से कलेक्शन कर रही है लगभग 7 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों ये फिल्म तेलुगु वर्जन से 1 करोड़ रुपए कमा रही है, साथ ही साथ तमिल वर्जन से फिल्म का कलेक्शन लगभग 70 लाख रुपए का आ रहा है, वही मलयालम वर्जन से 50 लाख रुपए। बात करें हिंदी वर्जन की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का हिंदी कलेक्शन पहले दिन लगभग 1 करोड़ का ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को हिंदी मार्केट में ठीक ठाक प्रमोट किया था लेकिन इस फिल्म के जो हिंदी में शोज है वो काफ़ी कम है। मेरे शहर यानी कि इंदौर में भी इस फिल्म के जो पहले दिन के शोज है वो सिर्फ 3 सिनेमाघरों में 3 शोज ही लगे हैं, जिसकी वजह से ही दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया में हिंदी कलेक्शन लगभग 1 करोड़ का कर रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 777 चार्ली का जो फर्स्ट डे इंडिया कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 10 करोड़ रुपये का। पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन और मार्केट यानी कि विदेशों से लगभग 3 करोड़ की कमाई कर रही है। यानी कि दोस्तों 777 चार्ली का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 13 करोड़ का, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी शानदार कमाई मानी जा सकती है। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट जहां सिर्फ 30 करोड़ रुपए है और अगर फिल्म पहले दिन 13 करोड़ का कलेक्शन कर रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पहले हफ्ते में ही अपने बजट से भी ज्यादा कमाई कर जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है 777 चार्ली का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितने करोड़ का होगा? 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़ रुपए? कमेंट करके जरूर बताएं। और 777 चार्ली के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।